वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि मैंने प्लांट्स की शॉपिंग किया है रैंडम। अभी 3 बार मैंने शॉपिंग कर लिया है प्लांट्स को और मैं वही आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। चलिए सबसे पहले थैले से प्लांट्स को निकाल लेते हैं और जिसका नाम मुझे याद नहीं आएगा मैं स्क्रीन में शो कर दूंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पेपर से पहले निकाल देती हूँ, फिर एक एक करके आप लोगों को प्लांट्स दिखाऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिएगा। आप सामने देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर प्लांट है जो कि समर में आप खरीद सकते हैं। इस टाइप के प्लांट ये जो है पेपर में रैप किए हुए ये सारे ही समर के ही फ्लावर प्लांट है। ये सब मैं आप लोगों के सामने ही निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ और प्लांट दिखा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहला प्लांट है ये हाइडेंजिया का और बहुत हेल्दी प्लांट है। देखिए ये बहुत सुंदर इसमें फ्लावर्स होते हैं और इसके फ्लावर्स के कलर चेंज होते हैं इसलिए मैंने इसे लिया है। अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो फर्स्ट प्लांट ये हो गए और सेकेंड ये है अभी कलांचो की कलर जो कि मेरे पास नहीं है वो अभी कम प्राइस में मिल जाते हैं इसलिए मैंने लिया है। ये येलो कलर है और ये वाइट कलर है और अच्छे हेल्दी प्लांट है और मुझे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ये दोनों मुझे 100 रुपीज़ में मिला है, 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़। और ये देख रहे हैं ये एक बड़ा सा प्लांट है, ये है पिंक कलर के चांदनी। इसका फूल भी मैं स्क्रीन में शो कर दूंगी और अच्छा बड़ा प्लांट है। एक ही इसमें लंबी सी स्टेम है, देखिए आप ये देखिए इसमें चांदनी फ्लावर जो डबल पेटल सिंगल पेटल होते हैं वाइट कलर के आप लोगों ने देखा होगा, ये है पिंक कलर के और हेल्दी प्लांट है एक छोटे से ग्रो बैग में। इसे हमारे इधर पिंक टगर कहते हैं। और दो मैंने वाटर प्लांट लिया है और बहुत ही रेयर है, यूनिक है और बहुत ही सुंदर है और इसके फ्लावर्स बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। मैं स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बहुत ही सुंदर होते हैं। और ये है वाटर पॉपी, मैं करीब से दिखा देती हूँ इसके पत्तों का डिज़ाइन कैसा है। ये देखिए इसके पत्ते राउंड शेप में हैं, ये देखिए ये है वाटर पॉपी। ये प्लांट आप लोग ज़रूर अपने गार्डन में लाइए। मैंने इसके फ्लावर्स को देखा तो तब से मैं ढूंढने लगी कि वाटर प्लांट में मुझे वाटर पॉपी को लेना ही है। और 6 इंच के करीब गमले में ये है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर और इसमें फ्लावर्स अभी आएंगे, अभी इसके ग्रो होने का टाइम है। समर में आप वाटर प्लांट की शॉपिंग कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल है। स्क्रीन में मैं दिखा दूंगी इसका, ये देखिए आप लोग अगर कहीं लेने गए तो इसके पत्तों को देख कर लीजिएगा, इसलिए मैं करीब से दिखा दे रही हूँ, अच्छी तरह से दिखा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट भी मैंने वाटर प्लांट ही लिया है, जिसका ग्रोइंग पीरियड होता वही प्लांट की आप शॉपिंग कीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। अभी वाटर लिली, इसकी हालत थोड़ी ख़राब है लेकिन इसके बल्ब ठीक है, ट्यूबर ठीक है, पत्ते खराब हो गए तो क्या हुआ, अभी घर में आ गया ये सर्वाइव कर लेगा, बहुत लंबा सफ़र तय करके ये आया है। और ये नीले रंग का है, इसके ये फ्लावर मैं स्क्रीन में शो कर दूंगी, मैं सभी का प्राइस स्क्रीन में शो कर दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर प्लांट है ये और इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पानी डाल देना है क्योंकि ये अच्छी एक 6 से 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, मिट्टी के गमले में। दो वाटर प्लांट की मैंने शॉपिंग किया है और इसके पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने वाटर रोज़ को ख़रीदा था। वाटर प्लांट की शॉपिंग आप समर में कीजिए क्योंकि उसका ग्रोइंग पीरियड होता है अभी। और ये है अपराजिता, ये क्यों लिया है मैंने, पिंक कलर के इसमें फ्लावर्स होंगे अपराजिता और वो भी डबल पेटल, इधर नहीं मिल रहे थे इसलिए मैंने लिया है पिंक अपराजिता। और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ ओनली 20 रुपीज़। और ये जो छोटे छोटे जो प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं समर के फ्लावर प्लांट है,
जब भी आप बेबी सीडलिंग लाएं, उसको आप डायरेक्ट लाते ही मत लगाइए, एक दो दिन रुक जाइए उसके बाद लगाइए। हो सके तो नीचे रेत का एक बेड बिछा दीजिए और उसके बाद वो बेबी सीडलिंग को इस पे रखिए, दो तीन दिन रहने दीजिए, उसके बाद आप लगाइए। तो मेरे पास अभी रेत नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, एक बोरी है उसको ऐसे डाल देती हूँ, गर्मी का टाइम है, मैं इसे भिगा दूंगी। ये है बालसम, जीनिया है, ये सनफ्लावर है, ये भी सनफ्लावर है, ये बालसम है, ये भी सनफ्लावर है, ये बालसम है, ये जीनिया है। सारे प्लांट मुझे मिले हैं 6 रुपए करके, एक प्लांट 6 रुपीस का है। ये देखिए, ये भी जीनिया है, ये 6 रुपए का है और इतने बड़े ग्रो बैग में है। ये प्लांट का नाम भी मुझे पता नहीं चल रहा है क्या नाम है, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को आइडिया हो तो इस प्लांट का नाम ज़रूर मुझे बताइए, मैं भी कोशिश करूँगी सर्च करने की। ये देखिए, अच्छी तरह से आप देख लीजिए इसके पत्ते, ये देखिए, और अच्छा हेल्दी प्लांट है। तो ये रहे मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लांट तो सभी अच्छे ही होते हैं। अब मैं इस बोरी को भिगा देती हूँ ताकि मॉइस्चर बना रहे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, मैंने सारे प्लांट में पानी डाल दिया है, जैसे ये वाटर लिली है, ये भी ठीक हो गया है, इसकी हालत ठीक हो गई है, देखिए। और ये है वाटर पॉपी, ये भी बहुत अच्छा हो गया, देखिए आप। और ये हाइडेंजिया, ये कलांचो, ये भी एक कलांचो, ये है डबल पेटल के पिंक अपराजिता, ये है पिंक कलर के चांदनी टगर, और ये सारे समर के फ्लावरिंग प्लांट। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।